अरे पंडित जी, नया वाहन लिया, इसकी भी पूजा कर दीजिए। कौन से भगवान को मानते हो? जी हनुमान जी। दो बार हनुमान चालीसा का जाप करो। अरे भैया, यहाँ पंडित पूजा कर रहा था, कहाँ गया यार? अरे इसकी पूजा कौन कर गया? अरे बजरंग दल वाले आ गए, बहुत मार रहे हैं, बहुत भाग 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 भाग। पागल है क्या भाई, कहाँ देख के चल रहा है? हाँ भाई बिल्कुल पागल ही है। भाई यार आज नहीं भागूंगा यार मैं। क्यों भाई? यार मोच आ रखी है, कल डॉक्टर ने मना किया था यार भागने के लिए, कसम से। ये ना तू ड्रामे मत कर, एक्टिंग मुझे भी आती है, मेरे भी पैर में मोच आ रखी है, हाथ में भी आ रखी है, मैं भी नहीं जा रहा कहीं। भाई माँ कसम तेरी, भाई यार डॉक्टर ने बोला था अगर मैं भागा ना तो मौत भी आ सकती है। हनी तू ये ड्रामे मत कर, तू इसको डिस्ट्रैक्ट करने जा रहा हूं। हाँ जी, ये रास्ता कहाँ है पड़ेगा बता दोगे? ये आपको स्ट्रेट जाना है, फिर आपको लेफ्ट लेना है, उसके बाद आपको फिर स्ट्रेट जाना है। मैं ठहरा रहा, जमीन चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगी। शिट, मेरा पर्स। क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है? मेरा पर्स। आप यही रुकिए, मैं लेके आता हूँ। तू मेरे पीछे क्यों भाग रहा है? फंस दे, फंस दे। पागल हो गया क्या? अरे कहाँ? बताती हूँ। और क्या, 2 किलोमीटर भागना है उसके पीछे? ये लो आपका पर्स। थैंक यू सो मच। सॉरी यार। क्या सॉरी यार? साले यहाँ तू बोल रहा है मेरे पैर में मोचा रखी है, वहां तू मिल्खा सिंह से तेज भाग रहा है, माइक टाइसन से तेज मुक्के चला रहा है। भाई माफ कर दे यार। क्या माफ कर दे यार, अच्छा खासा जब पर्स चुरा लिया था तो क्या जरूरत थी वापस करने की? क्या बताऊं यार, आज तक इतने लोगों को लूटा, कोई लाइफ में पहली बार हमको लूट के ले गया यार। हमको लूट के ले गया? मुझे लग ही रहा था वो भी चोर है। क्या लूट के ले गए? अरे पागल है क्या? दिल भाई, तेरे भाई का दिल लूट के ले गए यार। पड़ गया तो इन चक्करों में, अब धंधे की माँ बहन करवाएगा? हनी हमारी लाइन में ये प्यार व्यार की कोई जगह नहीं है, पूरे धंधे की ऐसी हो जाएगी, मैं तेरे को समझा रहा हूँ। तू चल, तू चल, तू चल।
करना यार, खबरी ने तो बोली थी 4 बजे आती है वो इस पार्क में। हन्नी, इस लड़की के चक्कर में ना तू पूरे धंधे की माँ बहन करवाएगा। अबे यार 2 दिन दे दे मेरे को, तेरी कसम अगर उसने मेरे को अपना नंबर नहीं दिया ना 2 दिन में, मैं उससे बात नहीं करूंगा लाइफ में, 2 दिन बस। हाँ, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला। अरे आप? हाँ जी। अरे आप यहाँ कैसे? आप? वो सुबह पर्स। अच्छा, सुबह सुबह के लिए थैंक यू सो मच। आप यहीं रहते हो? हाँ जी, मेरा घर यहीं। और आप? मैं रोज जॉगिंग के लिए आता हूँ, आई मीन कल से आऊँगा। अच्छा अच्छा, चलिए फिर कल मिलेंगे। ओके बाय। कल मिलेंगे, कल मिलेंगे। ये वाला पीस आपको 1000 का पड़ जाएगा डिस्काउंट करके। भैया इतना ज्यादा है, डिस्काउंट क्या किया इसमें आपने? भाई तुझे क्या लगता है, बटेगी? नेगोशिएट अच्छा करती है ना। प्यार में अच्छे अच्छे आशिकों की जिंदगी बर्बाद हुई है, हमारा धंधा बर्बाद होगा। तेरे से 2 दिन मांगे हैं ना, आज दूसरा दिन है, आज आज रुक जा, अगर आज नहीं पटी ना तो मैं इसकी तरफ देखूंगा नहीं, खुदा कसम। अभी नंबर लेके आया। आप देखो थोड़ा कम करो, इतने में नहीं ले सकती मैं। नहीं मैम, ये भी दे देना। नहीं। अरे आप? अरे आप यहाँ कैसे? अरे मैं टॉप लेने आई थी भैया, प्राइस ही नहीं लगा रहे हैं। भैया प्राइस ठीक लगा लो। अरे भैया मैं ठीक से प्राइस लगा लो। अरे ले जाओ, कोई बात नहीं, पैक कर। हाँ जी अभी पैक कर देता हूँ। मैं इतनी देर से उसे आर्ग्यू कर रही थी पर वो मान ही नहीं रहा था, आपने आके सब सॉर्ट करा दिया। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये सारे दुकान वाले मेरे जानकार हैं, कभी भी कुछ भी लेना हो ना तो मुझे कांटेक्ट। पर मैं आपको कांटेक्ट कैसे करूँगी, अपना नंबर तो दो। देख ये मॉल की एंट्रेंस है, घुसते ही राइट साइड में वो शॉप है, शॉप के अंदर जाके तू दुकानदार को बातों में लगाएगा और ओए मैं क्या पागल हूँ जो कुत्तों की तरह भौंके जा रहा हूँ, तू सुन भी रहा है? हाँ सुन रहा हूँ। क्या बोला मैंने? यही कि हम मॉल में पीछे से जाएंगे फिर छत पे। हन्नी उस लड़की का भूत तो अपने सर पे से उतार दे, तूने कहा था कि 2 दिन के बाद तू उसके बारे में सोचेगा नहीं और धंधे पे ध्यान देगा। और भाई मैसेज आ गया और वो भी 2 दिन खत्म होने से पहले, अब मेरा भी घर बार होगा। भाई मैं मैसेज करके आया। अरे तू Done. कल का सारा प्लान रेडी हो गया है, कल हम चोरी करने जा रहे हैं उस मॉल के अंदर, ये ले पढ़ ले। कल तो डेट पे जाने का प्लान बन गया भाई। तू जा और मिल, मैं जाऊंगा अकेले चोरी करने, तू करवा पूरे धंधे की मां बहन। भाई सुन तो ले।
प्रॉब्लम क्या है तेरी? अरे शिवम, क्या हुआ भाई? क्या हुआ? पिछले चार दिन से तेरे को फोन पे फोन कर रहा हूँ और तू मेरा फोन नहीं उठा रहा और पूछ रहा है क्या हुआ? तू जिंदा है कि मर गया? कौन सी दुनिया में है? पता नहीं क्या कर रहा है, पूछ रहा है क्या हुआ? भाई घर जाके बात करते हैं। बेवकूफ आदमी, तेरे पीछे अकेले चला रहा हूँ सारा धंधा और तू यहाँ पे मजे कर रहा है। इस फालतू की दो कौड़ी की रिलेशनशिप की वजह से सब कुछ खराब कर रहा है। और ये लौंडिया, भाई यार बस बहुत हुआ तेरा। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है तू मेरे बारे में कुछ भी बोलता रहेगा। मेरे बारे में तो छोड़, प्राची के बारे में कुछ भी बोलता रहेगा। ठीक है यार, मेरी भी पर्सनल लाइफ है। घूम रहा था, चार दिन से तेरा कॉल नहीं उठाया। हनी तुम प्लीज, तुम लड़ क्यों रहे हो? अपनी फ्रेंडशिप खराब मत करो। ऐसा करती हूँ मैं ही चली जाती हूँ। प्लीज, तुम कहीं नहीं जा रहे हो और जिसको जाना है वो जाए। तू कल की आई लड़की की वजह से हमारे इतने साल की दोस्ती खराब कर रहा है। हनी, दोस्ती में खराब नहीं कर रहा, दोस्ती खराब तूने कर दी है। चलो प्राची। वेट करो यहाँ पे, मैं पैसे निकाल के ले आता हूँ। कल के लिए सॉरी बोलना था यार, शायद गुस्से मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। वो तो मेरी बात सुनेगा नहीं, आजकल तेरी बात सुनता है, तो तू बोल देना एक बारी। ये शिवम था ना? अरे उसे छोड़ो, जाने दो उसे, चलो। क्या बोल रहा था ये? कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं। क्या बोल के गया है तुम्हें ये? यही बोल रहा था कि हनी मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं है, ये है वो है, छोड़ो लीव इट, चलो। यार ये वॉच कितनी अच्छी है। क्या? ये वॉच बहुत अच्छी है यार, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है। मैं बहुत टाइम से लेना चाह रही थी इसे। कितनी एक्सपेंसिव है? 10 लाख की है यार, छोड़ो। लेकिन वो मेरे बारे में ऐसा कह कैसे सकता है? मैं उसके बिना कुछ नहीं कर सकता। इस बार की चोरी मैं अकेला करूंगा और वो प्राची के लिए करूंगा। कौन सी चोरी की बात कर रहा है? तू यहां कैसे आया? तमीज से बात कर। ओह, तूने अपनी तमीज है ना अपने पास रख। तेरे से ना कोई बात करने ही बेकार है। मैं सोच रहा था छोड़, तू अकेले ही मरता है। चल चल, और आने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। मना की थी तेरे को मैसेज और कॉल करने के लिए, आ गया घर पे। जाऊंगा प्राची। अरे तुम कहाँ से आ रही हो? क्या हुआ, हाफ क्यों रहे हो तुम? ये तुम्हारी वो वाली घड़ी जो तुम्हें हमेशा से चाहिए थी। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? कहाँ से आई है? वो सब मैं तुम्हें घर आके बताऊंगा। एक काम करो, तुम घर जाओ पहले। क्यों? घर जाओ पहले। घर ऐसा ही विशाल रोयला, आपने आना सर, सोरेंट है हमारे पास। सर
लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपको दी किसने? पहचाना के नहीं मैडम, एक मिनट मैम, इससे कम नहीं हो पाएगा। 1000 से कम का मैं आपको दे नहीं सकता, ये फिक्स प्राइस है। पिछले 4 सालों में तुमने जिन जिन शहरों में चोरी करी है, चिट्ठा है हमारे पास, लेकिन तुम्हें पकड़ नहीं पाए क्योंकि सबूत नहीं थे। लेकिन इस बार जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि तुम हमारे शहर में आ रही हो, हमने तुम्हारे पीछे अपने 2 अंडरकवर कॉप छोड़ दिए। समझ आया कुछ? नहीं आया तो चलो नीचे समझा देता हूं। सॉरी यार, कल गुस्से में शायद ज्यादा बोल दिया, तू हन्नी को समझा लियो, आजकल तेरी तुझे क्या लगा ये कहानी तेरे हिसाब से चल रही है? इस कहानी का राइटर मैं हूँ और कहानी हमेशा से मेरी थी। क्या डायलॉग मारा है, बिल्कुल रेस का सैफ अली खान लग रहा भाई तू। इसे क्यों सस्पेंस में रखते हैं, चला तेरे को भी बताते हैं। सर वो आपकी हर एक एक्टिविटी पे नजर रख रही है। सर हमारे ऊपर भी नजर रखी जा रही है, थोड़ा देख के। ओ भाई यार वीडियो तो बहुत लंबी हो रही है, तू दो सीन में समझ गई ना? हाँ समझी, तो सस्पेंस में मत।